मैं हूँ असली सर, मुझे ले चलो। तुम रुबीना हो, मैं तुम्हें चुनता हूं। क्या खुदा, अली ने सही सर चुना हो, वरना आज हम अपना सर खो बैठेंगे। मेरी हर चाल को नाकामयाब बनाता जा रहा है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तेरे खात्मे के साथ साथ ये जंगल भी आजाद हो जाएगा मरीद। अली, आपको कैसे पता चला कि रुबीना की असली शक्ल यही है, जबकि सारी शक्लें एक जैसी थी। नाक एक जैसी, कान एक जैसे, और आंखें भी एक जैसी ही थी। आंखें एक जैसी नहीं थी। दर्द, रुबीना की आंखों में दर्द अपने जिस्म से अलग होने का। आज आपने कमाल कर दिया अली। अगर हमारा बस चलता ना तो हम आपको 21 तोपों की सलामी देते। अब हमें रुबीना के जिस्म को और इंतजार नहीं कराना चाहिए। तय वक्त से पहले हमें उसका सर ले जाकर उसे दे देना चाहिए, क्योंकि इंतजार का दर्द कितना तकलीफ देता है कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आजाद हो गई, इस कैद से आजाद हो गई मैं। धोखे से कैद किया था तूने मुझे, लेकिन तू भूल गया था कि मैं सिमसिम हूं, शैतानों की मलिका सिमसिम। मुझे कोई कैद नहीं रख सकता। अब मेरी आजादी
कहर बनकर बरसेगी तुझ पर। और अब खेल खेला जाएगा तेरे साथ। हमें हमारे पूर्वजों की गलती के लिए माफ कर देना रुबीना। हम वादा करते हैं कि आज से हमारा कबीला कभी भी किसी की मदद से पीछे नहीं हटेगा। आपकी ये बात तो हमारे दिल को छू गई। वैसे हमारे निकलने का अब वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, हमें आगे का सफर अभी और तय करना है। अली, यहाँ से दक्षिण दिशा में बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है वो खुफिया जंगल अली। वहां तुम्हें यादों का पेड़ मिलेगा, जहां सिमसिम ने मर्जीना की यादों को रखा है। पर एक बात का ध्यान रखना अली, वो खतरनाक जंगल है, बहुत ही खतरनाक। सिमसिम की खास जगहों में से एक है वो, वहां सिमसिम की खतरनाक ताकतें हैं। ये पाक मशाल है अली, तुम पे कोई भी खतरनाक ताकत हमला नहीं कर पाएगी। ये तुम्हारी जंग में तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया। चलो मर्जीना, तुम्हारी यादों से तुम्हें मिलाने का वक्त आ गया है। चलो मर्जीना। मर्जीना की यादों के बिना हमारी मोहब्बत की दास्तान अधूरी है। मुझे कैसे भी करके मर्जीना की यादों को ढूंढना होगा। हमारी याददाश्त वापस मिलते ही हमें पता चल जाएगा कि अली से हमारा क्या रिश्ता है। मेरे 40 चोरों, इंसानों को उनकी औकात बताने का वक्त आ गया है। सिमसिम और 40 चोरों के कहर बरसाने का वक्त आ गया है। सबसे पहले कहर बरसेगा उस झूठे कोतवाल पर, उस झूठे इंसान ने मुझे कैद करने की जुर्रत की थी। मुझे पता है, मुझे कैद करने के बाद वो जरूर तलिस्मान लेकर भाग गया होगा। हमारे आका इब्लिस को जिंदा करने के लिए मुझे जल्द से जल्द उस झूठे कोतवाल तक पहुंचना होगा, ताकि मैं तलिस्मान को हासिल कर सकूं। झूठे कोतवाल ने आपको कैद किया था, इसका मतलब जो इंसान मरीद के जंगल में आया था वो कोई नहीं, झूठे कोतवाल ही था। छोटा इंसान वो मरीद के जंगल में आया था। हाँ मौलिका, उसी के खून से ही तो हमने आपको आजाद किया है। खून मतलब वो मर गया? तुमने मार दिया उसे? नहीं मौलिका, वो अभी तक जिंदा है। तुम
काली। तेरे मेरे दरमियां अब फासले कम हो रहे हैं, इतने महफूज हैं तेरे करीब कि तुझ में ही गुम हो रहे हैं। मरीद को मार दिया उसने। हाँ मोनिका, लेकिन वो जंगल में अकेले नहीं आया था, बल्कि उसकी मशूका उसके साथ। ये झूठा कोतवाल मरीद के जंगल में क्यों आया था और उसके साथ उसकी ये मशूका कौन है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.